प्रबंधक महोदय जी, तो जानना चाहेंगे सर से कि आज का जो पत्रकार बंधुओं के साथ जो मीटिंग जो की गई है, ये किस उद्देश्य से की गई है और आगे की अपनी रणनीति क्या होंगी? जी महोदय, आपका शुभ नाम? मैं हरीश कुमार शर्मा, मैनेजर प्रज्ञान प्रदेश जीवर। आज पत्रकार बंधुओं से जहांगीरपुर में मीटिंग हुई। इसका मेन उद्देश्य अपने जो हमारा कैलिब्रेशन हुआ है आरके एकेडमी और प्रज्ञान पब्लिक स्कूल का, इसके बारे में सूचना देना, और दोनों स्कूलों का एक जॉइंट सेरेमनी हो रही है 23 जनवरी में, उसके बारे में इनवाइट करने के लिए मेन उद्देश्य था। और ये बताना है कि प्रज्ञान पब्लिक स्कूल की जो टीचिंग मेथड्स हैं, जो सिस्टम है, वो आरके एकेडमी में काम करेगा। जो रिजल्ट्स, जो क्वालिटी हम वहाँ प्रज्ञान में देते हैं, वही रिजल्ट और क्वालिटी हम यहाँ दे पाएंगे। और 23 तारीख के फंक्शन में हम वो सारी चीज़ें डिटेल में बता पाएंगे। और उसमें हमारे माननीय DM साहब श्री सीपी सिंह जी चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे, और आप सभी का भी वहाँ पर स्वागत है। महोदय, तो एक चीज़ और जानना चाहेंगे महोदय, थोड़ी सी हमारे जो दर्शक हैं उनको थोड़ी जानकारी प्राप्त हुई आपके माध्यम से, यहीं से हमारे वीडियो के माध्यम से, जो अपने विद्यालय की खास बातें क्या क्या हैं? विद्यालय की खास बातें हैं कि हर बच्चा अपने आप में एक हुनर रखता है, चाहे तो वो किसी भी इंटेलिजेंसी में आगे जा सकता है, चाहे तो खेल में, चाहे पढ़ाई में, चाहे इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, या सिविल सर्विसिंग में। हमें उस हुनर को पहचानना होता है। तो शिक्षकों का जो विशेष हमारा है, बच्चे के अंदर जन्मजात हुनर क्या है उसको पहचानना, उसको प्लेटफॉर्म देना और उसको मोटिवेट करना, तक उसके मैक्सिमम तक वो रिजल्ट दे पाए। इसी वजह से जो प्रक्रिया हम प्रज्ञान में करते थे, इसी वजह से हमारा बच्चा वहाँ जेवर से टोक्यो में मेडल लेकर के आया ओलंपिक में, हमारी बच्ची IAS बनी। तो जो स्पेशल हुनर है उसको पहचान कर उसको प्लेटफॉर्म देना और उसको आगे तराशना, ये स्पेशलिटी है प्रज्ञान। और एक बात, जैसे कि यहाँ के जिस क्षेत्र के जो बच्चे हैं जेवर जाते हैं भाई बस, तो वो बच्चे क्या यहीं रहेंगे या वहीं पढ़ेंगे उसी विद्यालय में? हाँ, उनके पास एक ऑप्शन हो गया है कि वो आरके एकेडमी में यहाँ पढ़ सकते हैं, जो क्वालिटी प्रज्ञान में मिलेगी वो यहाँ मिल सकती है, और इसके बाद उनका समय बचेगा और बच्चे का ट्रांसपोर्टेशन में जो थकान होती है वो भी कम हो जाएगी। तो उनके पास एक बेटर ऑप्शन आरके एकेडमी का यहाँ आ गया। तो महोदय, स्टाफ प्रज्ञान विद्यालय का ही इधर रहेगा या जो पहले थे वहाँ पर कार्यरत था वहीं स्टाफ? स्टाफ हमेशा चाहे वहाँ आरके वाला हो या प्रज्ञान वाला हो, लेकिन जो भी होगा वो योग्य होगा और क्वालिफाइड होगा पूरी तरह से, जो उस उद्देश्य को, शिक्षा के उद्देश्य को बच्चों तक पहुँचा पाए। तो हमेशा नया स्टाफ भी लिया जाएगा, जो एग्जिस्टिंग है अगर वो अच्छे होंगे, सही से काम कर रहे होंगे, तो वो भी साथ रखेंगे। थैंक यू मैडम। तो हम हमारे जो आप मुझे कभी हम देखते हैं तो अभी तक अपने विद्यालय से कितने बच्चे खेल कूद में आगे निकल सकते हैं? सर, मैं प्रिंसिपल प्रज्ञान पब्लिक स्कूल देवी शर्मा। प्रज्ञान हमेशा क्वालिटी के लिए जाना जाता है अपने क्षेत्र में, और हम लोग बच्चों को हर रूप में आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो खेल कूद हो, चाहे शिक्षा का एरिया हो, चाहे उनका एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे उनका कोई स्कॉलरशिप एरिया हो। तो गेम्स की अगर मैं बात करूँ तो हमारे बच्चे हर साल क्लस्टर से बहुत सारे मेडल्स लेकर आते हैं। अगर इस साल की ही बात करूँ तो हमारे यहाँ से 7 मेडल मेरे पास अभी टाइक्वांडो क्लस्टर में आए हैं, 2 मेडल एथलेटिक्स में आए हैं, अभी रिसेंट में मेरे एक बच्चे का नेशनल क्वालिफाई हुआ है टाइक्वांडो में, और अभी एक बच्ची नेशनल खेलने के लिए वाराणसी जा रही है एथलेटिक्स। तो ये कंटिन्यू हमारा कंटिन्यू बच्चे प्रयास करते रहते हैं। इवन इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारे बच्चे ताइक्वांडो में, एथलेटिक्स में हर जगह प्रूव कर चुके हैं। तो हर साल मेरे पास नंबर ऑफ मेडल्स गेम्स में आते ही रहते हैं। अपने आप को होते हुए भी अपने आप को ना केवल नेशनल लेवल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अपने आप को।